इस कहानी की शुरुआत में हम साउथ पोल के बर्फीले इलाके का सीन देखते हैं, जहां पर बहुत सारे पेंगुइन्स साथ में रहा करते थे और खूब मस्ती करते थे। इसके बाद हम दो बेबी पेंगुइन को देखते हैं जो आपस में मछली खाने के लिए झगड़ा कर रहे थे कि तभी वहां पर वालरस का लीडर आता है, जो बेबी पेंगुइन को डराते हुए कहता है कि मछली तुम दोनों में से किसी की नहीं बल्कि मेरी है। इसके बाद बहुत सारे वालरस चारों तरफ तबाही मचाना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे सारे पेंगुइन्स डरकर एक जगह पर इकट्ठा हो जाते हैं। वालरस का लीडर पेंगुइन से कहता है कि अब से तुम सभी लोग अपनी मछलियों का आधा हिस्सा मुझे दोगे और अगर तुमने ऐसा करने से मना किया तो मैं तुम्हारे अंडों को बर्बाद कर दूंगा। वालरस के लीडर की यह बात सुनकर सारे पेंगुइन पूरी तरह से डर जाते हैं और वालरस का लीडर एक पेंगुइन एक को समुद्र में फेंक देता है। समुद्र में फेंका गया एक तैरते हुए साउथ पोल से काफी दूर समुद्र के किनारे पर आकर लगता है और एक टाइगर को मिलता है। टाइगर एक से निकले बेबी पेंगुइन से बहुत प्यार करता है और उसे अपने बच्चे की तरह पालता है और शिकार करना सिखाता है। टाइगर बेबी पेंगुइन का नाम मॉरिस रखता है और उसे एक टाइगर की तरह दिखने के लिए टाइगर की स्किन पहना देता है। हर समय टाइगर के साथ रहने की वजह से मॉरिस भी अब खुद को एक टाइगर समझने लगा था। कुछ समय के बाद टाइगर की डेथ हो जाती है, जिसके बाद मॉरिस जंगल का नया राजा बन जाता है। अब एक दिन जब मॉरिस एक तालाब में लेटा हुआ था तो उसे एक बेबी फिश मिली जो मॉरिस को बहुत पसंद आई और इसके बाद मॉरिस उस बेबी फिश को अपने साथ रखने लगा। मॉरिस बेबी फिश को शिकार करना भी सिखाता था, क्योंकि उसका मानना था कि उसकी मौत के बाद उसकी बेबी फिश ही जंगल की नई किंग बनेगी। अगले सीन में हम बॉब और अल नाम के दो फ्रॉस को देखते हैं, जो फ्रेड नाम के एक जंगली पिग के साथ है। बॉब अल और फ्रेड एक अच्छे दोस्त थे और आपस में बातें कर रहे थे। बॉब अल और फ्रेड के घने और काले बालों की तारीफ करते हैं, जिससे फ्रेड बहुत खुश होता है क्योंकि उसे भी अपने बाल बहुत पसंद थे। मॉरिस अपनी बेबी फिश जूनियर के साथ झाड़ियों में छिपकर बॉब अल और फ्रेड को देख रहा था। मॉरिस जूनियर को फ्रेड के ऊपर हमला करने के लिए कहता है क्योंकि इस समय वो जूनियर को शिकार करने की ट्रेनिंग दे रहा था, लेकिन जूनियर एक फिश होने की वजह से फ्रेड का शिकार नहीं कर पाता। मॉरिस जूनियर को शिकार करने की कोशिश करने के लिए अप्रिशिएट करता है, क्योंकि उसे लगता था कि जूनियर एक दिन जरूर एक अच्छा शिकारी बनेगा और जंगल पर राज करेगा। फ्रेड भी जूनियर को शिकार करने की कोशिश करने के लिए अप्रिशिएट करता है क्योंकि वो मॉरिस का अच्छा दोस्त था, और फिर वहाँ से चला जाता है। बॉब और अल मॉरिस से बोलते हैं कि माना तुम इस समय जूनियर को शिकार करना सिखा रहे हो क्योंकि उसे ट्रेनिंग की जरूरत है, लेकिन क्या तुम यह नहीं देख रहे हो कि हम यहाँ पर एक जरूरी मीटिंग कर रहे थे। इस पर मॉरिस बॉब और अल से कहता है कि यह जंगल हमारा है, इसीलिए हम अपने मन के मालिक हैं। अब पेड़ पर बैठा हुआ गिलबर्ट नाम का एक गिरगिट इनकी बातें सुनकर ऊब जाता है और इन्हें शांत रहने के लिए कहता है। दरअसल गिलबर्ट कई दिनों से सोया नहीं था, क्योंकि जब भी वो सोने जाता था बॉब और अल फ्रेड के साथ उस पेड़ के नीचे बैठकर बातें करने लगते थे जिस पेड़ के ऊपर गिलबर्ट रहता था। मॉरिस गिलबर्ट को विश्वास दिलाता है कि अब उसे सोने में कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा और खुद जूनियर के साथ वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हम पोंग नाम के एक पेंगुइन को नदी के ऊपर एक पेड़ से लटके हुए देखते हैं, क्योंकि नदी में खोखार पिराना मछलियाँ थी जो पोंग पर हमला करके उसे खाना चाहती थी। पोंग अपनी बहन पिंग से खुद को बचाने के लिए कहता है। इसके बाद पिंग लकड़ी के टुकड़ों की मदद से पोंग को बचा लेती है और उसे कहती है कि मुझे नहीं लगता कि महान टाइगर वॉरियर अभी भी जिंदा है, क्योंकि शायद उनके बारे में सारी कहानियां झूठी हो। लेकिन पोंग को पूरा विश्वास था कि महान टाइगर वॉरियर मॉरिस सच में है। दरअसल पिंग और पोंग दोनों भाई बहन थे और साउथ पोल से महान टाइगर वॉरियर मॉरिस को ढूंढने आए थे, क्योंकि साउथ पोल में वालरस पेंगुइन को टॉर्चर कर रहे थे और उन्हें गुलाम बनाकर रखते थे। एक प्राचीन कहानी के मुताबिक सिर्फ महान टाइगर वॉरियर मॉरिस ही अपने साथ साथियों के साथ मिलकर वालरस की सेना को हराकर पेंगुइन को बचा सकते थे। इसके बाद पिंग और पोंग जंगल में मॉरिस को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में पोंग गलती से एक सो रहे गोरिल्ला के ऊपर चला जाता है, जिसका नाम मिगेल था। पिंग किसी तरह पोंग को नीचे उतारती है, लेकिन इससे पहले कि वो दोनों वहाँ से जाते, पोंग का पैर एक लकड़ी के ऊपर चला जाता है, जिससे मिगेल जाग जाता है। पिंग पोंग मिगेल से रिक्वेस्ट करते हैं कि उन्हें छोड़ दे, लेकिन मिगेल ने पहली बार पेंगुइन्स को देखा था इसीलिए उन्हें पीटना चाहता था, क्योंकि जानवरों को पीटना मिगेल को बहुत पसंद था। इसके बाद मिगेल पिंग पोंग को पकड़कर उन्हें बुरी तरह से मारने लगता है। मार खाते हुए पिंग पोंग से पूछती है कि तुम्हारे महान टाइगर वॉरियर मॉरिस कहाँ है और वो हमें बचाने क्यों नहीं आ रहे। मॉरिस का नाम सुनकर मिगेल डर जाता है, क्योंकि एक बार मॉरिस ने मिगेल को बुरी तरह से मारा था, इसीलिए वो पिंग पोंग को छोड़ देता है और नई बात मॉरिस को न बताने के लिए रिक्वेस्ट करता है, क्योंकि मिगेल को लग रहा था कि
सी पिंग पोंग मॉरिस के दोस्त हैं। इसके बाद मिगेल पिंग पोंग के साथ ही सो जाता है और सपने में देखता है कि किस प्रकार उसे मॉरिस ने बुरी तरह से मारा था। मिगेल सपने में बोल रहा था कि महान टाइगर वॉरियर मॉरिस ही जंगल के सबसे खतरनाक योद्धा है। ये सुनकर पिंग और पोंग बहुत खुश होते हैं क्योंकि अब उन्हें पूरा विश्वास था कि मॉरिस ही सबसे बड़े योद्धा है और वो ही उनकी मदद कर सकते हैं। पिंग पोंग मिगेल को नींद से जगाने की कोशिश करते हैं लेकिन मिगेल नींद से नहीं जागता। इसके बाद हम मॉरिस को देखते हैं जो जूनियर को ट्रेनिंग दे रहा था क्योंकि मॉरिस के बाद जूनियर ही जंगल का नया राजा बनने वाला था। मॉरिस अपने स्किन को किसी टाइगर की स्किन की तरह पेंट भी करता है क्योंकि ज्यादा समय होने पर उसके बॉडी पेंट्स छूटने लगते थे। अब मॉरिस जूनियर को ट्रेनिंग दे ही रहा था कि तभी वहाँ पर मिगेल भी पिंग और पोंग के साथ आ जाता है। पिंग पोंग मॉरिस के सामने जाकर उसे अपने बारे में बताते हैं कि किस प्रकार वो साउथ पोल की बर्फीली पहाड़ियों में रहते हैं जहाँ पर बहुत सारे वालरस उन्हें परेशान करते हैं। पिंग पोंग मॉरिस से मदद मांगते हैं और मॉरिस को उस कहानी के बारे में भी बताते हैं जिसके अनुसार महान टाइगर वॉरियर ही अपने साथ खतरनाक योद्धाओं के साथ वालरस को हराकर पेंगुइन को बचाएंगे। मॉरिस किसी कहानी में खुद का जिक्र पाकर बहुत खुश होता है लेकिन साथ ही पिंग पोंग को देखकर उसे बहुत हंसी भी आती है क्योंकि उसने इससे पहले ऐसे जीव नहीं देखे थे। हालांकि मॉरिस भी एक पेंगुइन ही था लेकिन उसे इसके बारे में पता नहीं था क्योंकि वो खुद को किसी टाइगर की तरह पेंट करके रखता था। मॉरिस पिंग पोंग की मदद करने के लिए राजी हो जाता है। कहानी के मुताबिक महान टाइगर वॉरियर के साथ उसके साथ खतरनाक योद्धा भी होंगे जो वालरस के खिलाफ लड़ेंगे लेकिन अभी तो मॉरिस और जूनियर सिर्फ दो ही थे। इसीलिए मॉरिस फ्रेड के पास जाता है और उसे अपनी टीम में शामिल होने के लिए कहता है लेकिन फ्रेड मॉरिस की टीम में शामिल होने से साफ साफ मना कर देता है क्योंकि उसे लग रहा था कि इस मिशन में बहुत खतरा है और वो वहाँ से चला जाता है। मिगेल के साथ ही बॉब और अल मॉरिस की टीम में शामिल होने के लिए राजी हो जाते हैं लेकिन फिर भी ये सिर्फ 5 लोग ही हुए थे। इसके बाद मॉरिस गिलबर्ट को भी अपनी टीम में शामिल होने के लिए कहता है लेकिन गिलबर्ट मॉरिस की टीम में शामिल होने से मना कर देता है जिसके बाद वो लोग वहाँ से साउथ पोल की तरफ जाने लगते हैं क्योंकि मॉरिस का मानना था कि वो रास्ते में बाकी के मेंबर्स को ढूंढ कर टीम में शामिल कर लेगा। मॉरिस और बाकी लोगों को वहाँ से जाता देखकर गिलबर्ट डर जाता है क्योंकि वो अकेले नहीं रह सकता था इसीलिए मॉरिस की टीम में शामिल हो जाता है। मिगेल पेड़ की उस डाली को तोड़कर अपने साथ ले लेता है जिस पर गिलबर्ट रहता था और अब ये लोग साउथ पोल की तरफ निकल पड़ते हैं। रास्ते में मिगेल मॉरिस से पूछता है कि क्या वो गिलबर्ट को मार सकता है। इस पर मॉरिस मिगेल को समझाता है कि नहीं, तुम वालरस को जितना चाहे उतना मारना। वहीं दूसरी तरफ फ्रेड नदी में पानी पी रहा था और इस दौरान वो सोचता है कि अगर वो साउथ पोल जाकर अपने गाने को सभी को सुनाए तो शायद वो पूरी दुनिया में फेमस हो सकता है। इसके बाद फ्रेड भागते भागते मॉरिस के पास जाता है और वो भी मॉरिस की टीम में शामिल होकर उनके साथ साउथ पोल की तरफ निकल पड़ता है। फ्रेड के टीम में शामिल होने से अल और बॉब को बहुत खुशी होती है क्योंकि अब वो फ्रेड के ऊपर आराम से बैठकर सफर तय कर सकते थे। पोंग पिंग से कहता है कि देखो, अब मिस्टर मॉरिस की टीम में सिर्फ एक मेंबर की कमी है। इस पर पिंग कहती है कि हाँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मॉरिस और उसके साथी वालरस को हरा पाएंगे। पिंग की बात सुनकर पोंग उसे समझाता है कि तुम चिंता मत करो, कहानी जरूर सच होगी और महान योद्धा मॉरिस हम सबको बचाएंगे। काफी लंबा सफर तय करने के बाद रात हो जाती है और अब बारिश भी होने वाली थी। ये सब देखते हुए मॉरिस मिगेल को पेड़ की डाली को अपने ऊपर से उठाने के लिए बोलता है और गिलबर्ट को आसपास किसी सुरक्षित जगह का पता लगाने का आदेश देता है। गिलबर्ट सभी को पास में मौजूद एक गुफा के बारे में बताता है जिसके अंदर से रोशनी आ रही थी। अब सभी लोग उस गुफा के पास पहुंच जाते हैं और बारिश होने पर गुफा के अंदर आ जाते हैं जहां पर उन्हें बेट्रिसिया नाम की एक बेट मिलती है जो उन्हें अपनी गुफा में रहने का आदेश दे देती है। यहाँ पर पोंग मॉरिस को याद दिलाता है कि बेट्रिसिया उनकी टीम में शामिल हो सकती है क्योंकि वो आसमान में उड़कर दुश्मन की जासूसी कर सकती थी। ये सुनकर मॉरिस पिंग पोंग से पूछता है कि क्या तुम दोनों आसमान में उड़कर दुश्मन की जासूसी नहीं कर सकते क्योंकि तुम दोनों भी तो बर्ड हो। इस पर पिंग पोंग मॉरिस को बताते हैं कि आसमान में नहीं उड़ सकते। ये सुनकर मॉरिस उन पर हंसने लगता है क्योंकि एक बर्ड होकर भी उड़ नहीं सकते थे। अब मॉरिस जब बेट्रिसिया से अपनी टीम में शामिल होने के लिए पूछता है तो इसके लिए मना कर देती है क्योंकि उसे ऊंचाई पर उड़ने से डर लगता था। लेकिन जब बेट्रिसिया गिलबर्ट को देखती है तो उसे पहली नजर में ही गिलबर्ट से प्यार हो जाता है और वो मॉरिस की टीम में शामिल होने के लिए राजी हो जाती है। अगले दिन सभी लोग आगे के सफर पर निकल पड़ते हैं और कई दिनों तक लगातार खतरनाक रास्तों से सफर करने के बाद वो जंगल से बाहर समुद्र के किनारे पर पहुंच जाते हैं। समुद्र के किनारे बीच पर आकर पोंग बहुत खुश था क्योंकि अब वो
समुद्र को पार करके जल्दी साउथ पोल पहुंचने वाले थे, बीच पर अचानक से पोंग पर एक एनाकोंडा हमला कर देता है और पिंक को दूर फेंक कर पोंग को अपने साथ जंगल में ले जाता है। एनाकोंडा का निशाना देखकर गिलबर्ट समझ जाता है कि जरूर पोंग को एनाकोंडा अपने साथ ले गया है और वो मॉरिस से पोंग को छोड़कर सफर पर आगे बढ़ने के लिए कहता है, लेकिन मॉरिस पोंग को छोड़कर नहीं जा सकता था, इसीलिए वो सभी को खुद का इंतजार करने के लिए बोलकर खुद पोंग को बचाने के लिए जंगल में चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ एनाकोंडा पोंग को खाने वाला था कि तभी वहां पर मॉरिस आ जाता है जो एनाकोंडा को फाइट के लिए चैलेंज करता है। इसके बाद एनाकोंडा पोंग को छोड़ देता है और अब मॉरिस और एनाकोंडा के बीच में एक खतरनाक फाइट होने लगती है। मॉरिस हवा में उड़कर एनाकोंडा पर हमला करता है, लेकिन एनाकोंडा बड़ी आसानी से मॉरिस को अपने कब्जे में ले लेता है क्योंकि वो मॉरिस से काफी ज्यादा पावरफुल था। इसके बाद हम पिंक को देखते हैं जो जब होश में आती है तो उसे बोबरल बताते हैं कि वो चिंता ना करे, टाइगर वॉरियर मॉरिस जल्दी एनाकोंडा को मारकर पोंग के साथ वापस आ जाएंगे। लेकिन पिंक को पता था कि मॉरिस अकेले एनाकोंडा को नहीं हरा सकता, इसीलिए खुद जंगल में जाती है। वहीं दूसरी तरफ एनाकोंडा मॉरिस को जोर से फेंकता है जिससे मॉरिस नारियल के पेड़ से जाकर टकराता है और नारियल एनाकोंडा के सिर पर गिरते हैं जिससे एनाकोंडा बेहोश हो जाता है। अब यहाँ पर पिंक भी आ जाती है जो एनाकोंडा को बेहोश देखकर सोचती है कि मॉरिस ने ही उसे डिफीट किया है और वो बहुत खुश होती है। पोंग के होश में आने पर पिंक उसे समझाती है कि अब उसे डरने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि महान टाइगर वॉरियर हमारे साथ है। इसके बाद सभी लोग पेड़ के डाल पर बैठकर साउथ पोल की तरफ निकल पड़ते हैं और एक लंबा सफर तय करने के बाद साउथ पोल पहुंच जाते हैं। एक पेंगुइन बेबी मॉरिस को अपनी टीम के साथ साउथ पोल आता देखकर बहुत खुश होता है क्योंकि उसे लगता है कि अब उसकी बहन को वालरस उससे अलग नहीं करेंगे। वहीं दूसरी तरफ साउथ पोल पहुंचकर मॉरिस और उसके साथियों को प्रॉब्लम हो रही थी क्योंकि वहां पर काफी ज्यादा ठंड थी। अब मॉरिस जब अपने साथियों के साथ किसी गर्म जगह की तलाश में जाता है तो वालरस के लीडर से टकरा जाता है। मॉरिस को पता नहीं था कि वो वालरस का लीडर है, इसीलिए उसे बोलता है कि हम बड़े और घिनौने जीव वालरस को ढूंढ रहे हैं जो पेंगुइन को डराते हैं और उन्हें टॉर्चर करते हैं। मॉरिस को ऐसा करता देखकर पिंग पोंग पूरी तरह से डरे हुए थे क्योंकि मॉरिस को पता नहीं था कि वो कितना बड़ा खतरा मोल ले रहा है। इसके बाद हम पेंगुइन को देखते हैं जो मॉरिस और उसके साथियों के इंतजार में थे क्योंकि उन्हें बेबी पेंगुइन ने बता दिया था कि पिंग पोंग अपने साथ एक योद्धाओं की टीम ला रहे हैं। मॉरिस और उसके साथी जब पेंगुइन कॉलोनी में आते हैं तो उनका बुरा हाल था क्योंकि वालरस ने उन्हें बहुत ही बुरी तरह से मारा था और मॉरिस अभी भी बेहोश था। वालरस का लीडर पेंगुइन को धमकी देता है कि अब से तुम सभी लोग अपनी आधी मछलियां नहीं बल्कि पूरी मछली हमें दोगे और तुम लोग कोई गड़बड़ी ना करो, इसीलिए हम तुम्हारे अंडों को अपने साथ ले जा रहे हैं। ये सुनकर बेबी पेंगुइन अपनी बहन के एक को वालरस से वापस लेने की कोशिश करता है, लेकिन वालरस का लीडर बेबी पेंगुइन को धक्का मारकर दूर फेंक देता है और सारे पेंगुइन केक लेकर वहां से चला जाता है। इसके बाद सारे पेंगुइन भी वहां से जाने लगते हैं क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि पिंग पोंग के साथ आए योद्धाओं ने वालरस से नहीं बचा सकते। अब मॉरिस भी होश में आ जाता है जिसे पिंग पोंग वापस जाने के लिए कहते हैं क्योंकि अब मॉरिस कुछ नहीं कर सकता था। मॉरिस पोंग को समझाने की कोशिश करता है कि हम इसलिए आ रहे क्योंकि हमारे पास कोई प्लान नहीं था, लेकिन अगर हम मिलकर लड़े तो वालरस को हरा देंगे। लेकिन पिंग पोंग मॉरिस की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देते और वहां से चले जाते हैं। इसके बाद मॉरिस अपने साथियों से वालरस से लड़ने के लिए कहता है, लेकिन अब वो भी वालरस से लड़ने के लिए रेडी नहीं थे क्योंकि वालरस ने उन्हें बुरी तरह से मारा था। मॉरिस इतना आसानी से हार मानने वाला नहीं था और अपनी टीम के सामने एक मोटिवेशनल स्पीक देता है और बेबी पेंगुइन को लाकर अपने साथियों को इमोशनल ब्लैकमेल करता है कि हम भला इस छोटे बेबी पेंगुइन और उसकी छोटी बहन जो कि अभी अंडे में है उसे छोड़कर वापस कैसे जा सकते हैं। ये सुनकर मॉरिस के सभी साथी एक बार फिर से मॉरिस के साथ मिलकर वालरस से लड़ने के लिए राजी हो जाते हैं। वालरस के पास से पेंगुइन के एग्स को वापस लाने के लिए इन्हें एक प्लान की जरूरत थी, इसीलिए सबसे पहले पेंगुइन के टूटे हुए एग्स को जोड़कर नकली एग्स बनाते हैं और फिर इसके बाद गिलबर्ट बेटिसिया के ऊपर बैठकर उस जगह का पता लगाता है जहां पर वालरस ने पेंगुइन के एग्स छुपाए थे। गिलबर्ट मेट्रिसिया के साथ इसीलिए जाता है क्योंकि मेट्रिसिया को ऊंचाई पर उड़ने से डर लगता था और क्योंकि मेट्रिसिया गिलबर्ट को पसंद करती थी, इसीलिए गिलबर्ट के साथ होने पर आसानी से ऊंचाई पर उड़ सकती थी। एग्स की लोकेशन पता चलने के बाद जूनियर सबसे पहले एग्स की देखभाल कर रहे वालरस को डिस्ट्रेक्ट करके अपने पीछे समुद्र में आने के लिए मजबूर करती है और इस मौके का फायदा उठाकर मॉरिस अल और बॉब की मदद से पेंगुइन के एग्स को हासिल कर लेता है और उनकी जगह नकली एग्स को रख
देता है। अगले सीन में हम पिंग पोंग को देखते हैं जो आपस में इस बात पर डिस्कस कर रहे थे कि मॉरिस और उसके साथियों को लाने से उन्हें कोई फायदा नहीं हुआ कि तभी बेबी पेंगुइन सभी को बताता है कि योद्धा वापस आ रहे हैं और वो अपने साथ सारे पेंगुइन्स के एक को भी लाए थे। अपना एक वापस आकर सारे पेंगुइन बहुत खुश होते हैं, लेकिन पिंग बिल्कुल भी खुश नहीं थी क्योंकि उसे पता था कि ऐसा करके मॉरिस ने उन्हें और बड़ी प्रॉब्लम में डाल दिया है क्योंकि वालरस इसका बदला लेने के लिए जरूर आएंगे। इसके बाद मॉरिस सारे पेंगुइन से कहता है कि हम इस बार नहीं हारेंगे क्योंकि इस बार हमारे पास एक बड़ी और पावरफुल सेना है जो इस समय बिल्कुल मेरे सामने है। ये सुनकर सारे पेंगुइन अपने पीछे देखने लगते हैं, जिस पर मॉरिस उन्हें समझाता है कि उन्हीं की बातें कर रहा है। इसके बाद मॉरिस सारे पेंगुइन्स को मिलकर वालरस से लड़ने के लिए मोटिवेट करता है, जिसके बाद सारे पेंगुइन इसके लिए राजी हो जाते हैं। मॉरिस सारे पेंगुइन को लड़ने की ट्रेनिंग देता है और साथियों ट्रैप भी बनाते हैं ताकि वालरस को अपने ट्रैप में फंसाकर उन्हें हरा सके। अब वालरस का लीडर भी अपनी सेना के साथ वहां पर आ जाता है और पेंगुइन के एग्स को तोड़कर उन्हें डराने की कोशिश करता है, लेकिन वो एग्स तो नकली थे। इसके बाद पेंगुइन और वालरस की सेना के बीच में एक खतरनाक युद्ध होने लगता है और पेंगुइन अपने बिछाए गए ट्रैप और प्लान की मदद से वालरस को बुरी तरह से मारते हैं। अब फाइट के दौरान वालरस का लीडर मॉरिस पर हमला कर देता है, जिससे मॉरिस बर्फ में जाकर फंस जाता है और वालरस के लीडर जूनियर को अपने साथ लेकर वहाँ से जाने लगता है क्योंकि अब वो जूनियर को ही खाकर अपनी भूख मिटाना चाहता था। वहीं दूसरी तरफ मिगेल एक वालरस से लड़ रहा था, लेकिन मिगेल वालरस के सामने ज्यादा देर तक नहीं टिक पाता और वो मिगेल को मारने वाला था कि तभी वहाँ पर फ्रेड अल और बॉब के साथ आ जाता है और वालरस को अपने पीछे आने के लिए बोलकर मिगेल की जान बचा लेता है। मिगेल ये देखकर बहुत खुश होता है और फ्रेड की मदद करने के लिए उसके पीछे जाता है। वहीं दूसरी तरफ पोंग मॉरिस को बर्फ से बाहर निकाल देता है और मॉरिस जूनियर को बचाने के लिए वालरस के लीडर के पीछे जाता है। इसके बाद हम गिलबर्ट को देखते हैं जो बेट्रिसिया के साथ आसमान में उड़ रहा था और देखता है कि एक वालरस पेंगुइन के एस की तरफ जा रहा है, इसीलिए खुद उस वालरस को रोकने की कोशिश करता है और बेट्रिसिया को मदद लाने के लिए बोलता है। इसके बाद हम फ्रेड को देखते हैं जिन्हें वालरस मारने वाला था कि तभी वहाँ पर मिगेल आ जाता है जो उस वालरस से लड़ने लगता है और फ्रेड को अल और बॉब के साथ जाकर गिलबर्ट की मदद करने और पेंगुइन के एग्स को बचाने के लिए भेजता है। वालरस गिलबर्ट को अपने नीचे कुचलकर पेंगुइन्स के अंडों की तरफ बढ़ने लगता है कि तभी वहाँ पर फ्रेड अल और बॉब के साथ आ जाता है और अल बॉब अपनी जेली स्किन से वालरस को इन्फेक्टेड कर देते हैं, जिससे वालरस डरकर वहाँ से भाग जाता है। वहीं दूसरी तरफ मॉरिस वालरस के लीडर से लड़ रहा था, लेकिन वो उसके सामने ज्यादा देर तक नहीं टिक पाता और वालरस का लीडर मॉरिस पर हमला करके उसे घायल कर देता है। ये देखकर जूनियर वालरस के लीडर पर हमला कर देता है, जिससे मॉरिस बहुत खुश होता है। अब यहाँ पर फ्रेड भी मिगेल बॉब और अल के साथ आ जाता है। फ्रेड और मिगेल बॉब और अल की लंबी टांग को स्ट्रेच कर देते हैं, जिसकी मदद से मॉरिस वालरस के लीडर को एक जोरदार पंच मारता है और उसे नॉकआउट कर देता है, जिसे देखकर सभी लोग बहुत खुश होते हैं। इसके बाद सारे वालरस अपने लीडर के साथ वापस चले जाते हैं क्योंकि मॉरिस ने अपने साथियों और पेंगुइन्स के साथ मिलकर उन्हें बुरी तरह से मारा था। यह देखकर सभी पेंगुइन बहुत खुश होते हैं और पेंगुइन्स को वालरस से आजाद कराने के बाद मॉरिस पिंग पोंग से विदा लेकर अपने साथियों के साथ वापस अपने घर यानी कि जंगल की तरफ निकल पड़ता है। वापस आने के बाद पिंग वादे के मुताबिक पोंग को बासी पानी और कीड़ों का सूप पिलाता है और मॉरिस जूनियर के साथ जंगल पर नजर रखने के लिए निकल पड़ता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। गाइस, अगर आप ऐसी ही और वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप इंड स्क्रीन पर क्लिक करके इन वीडियोस को भी वॉच कर सकते हैं। साथ ही इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।